Hello everyone, we have already studied the unit MySQL function. In this we have already studied the text function and mathematical function. Today we are going to discuss date and time function. Here I have written few date functions: current date, date, month, month name, day and year. First one, current date. करंट डेट विल डिस्प्ले द करंट डेट ऑफ योर्स. दैट मीन्स अगर हम आज ये क्वेरी चला रहे हैं तो जो आपके सिस्टम की करंट डेट है या फिर आज की जो डेट है वो डिस्प्ले होगी. उसके लिए कैसे क्वेरी लिखना है, यू हैव टू राइट सिलेक्ट. आइदर यू कैन राइट करंट अंडरस्कोर डेट और सी यू आर डेट. आपने ये लिखा बिकॉज इट इज अ फंक्शन तो आपको ये लगाना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है, सेमी कॉलन. जैसे ही आप देंगे तो आपके सिस्टम की जो करंट डेट है वो डिस्प्ले होगी. वो क्या है, 2020 08 26. दिस विल बी द आउटपुट. तो दैट मींस क्वेरी के थ्रू, एसक्यूएल के थ्रू अगर आप अपना करंट डेट चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये डेट फंक्शन यूज करना पड़ेगा, सी यू आर डेट, और सिलेक्ट क्वेरी के साथ ये यूज होगा, जिससे आपको ये आउटपुट मिलेगा जो आपका करंट डेट होगा. नेक्स्ट फंक्शन इज डेट. डेट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी आपने क्वेरी में पैरामीटर्स पास किए हैं, जो वैल्यूज आपने दी है, उसमें से सिर्फ डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले कराना. कैसे, सिलेक्ट डेट, मैंने लिखा 2020 08 26 101. मैंने दो चीजें लिखी है, एक तो डेट लिखा है और एक टाइम लिखा है कि कितने सेकंड लगे उस चीज को. और मैं जो क्वेरी यूज कर रही हूँ दैट इज डेट. तो इस पूरे स्टेटमेंट में से आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी ओनली डेट, बिकॉज आई हैव आस्क्ड फॉर दिस ओनली. मैंने सिर्फ डेट मांगा है. तो आपका जो ये कंप्लीट डेट है दैट इज 2020 08 26, दैट विल बी योर आउटपुट. ओके, नेक्स्ट वन इज योर मंथ. मंथ क्या करेगा, जो क्वेरी आप पास कराएंगे उसमें जो आपका मंथ है उसकी वैल्यू आपको एक्सट्रैक्ट करके देता है. कैसे, सिलेक्ट मंथ, मैंने डेट लिखा 2021 03 13. ओके, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मंथ. तो इस क्वेरी में ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है उसमें हमारा मंथ कौन से, थर्ड मंथ है. तो आपका जो आउटपुट आएगा दैट विल बी 3. दैट मीन्स आपका कौन सा मंथ है, थर्ड मंथ है. अगर आपको मंथ का नेम चाहिए, यहाँ से सिर्फ आपके पास वैल्यू आएगी कौन सा मंथ, बट अगर आपको नेम चाहिए कि जनवरी है, फेब्रुवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो वो सिर्फ मंथ से नहीं आने वाला डेट फंक्शन. उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मंथ नेम. मंथ नेम से क्या होगा कि जो आपका मंथ है, जो भी आपने पास की हुई है वैल्यू, उसके थ्रू उस मंथ का नेम डिस्प्ले होगा. तो मैं इसी क्वेरी में एडिट कर रही हूँ, आई हैव रिटन सिलेक्ट मंथ नेम और यही मैंने रखा. इससे आपका जो आउटपुट है उसमें क्या चेंज आएगा, इसमें आपके पास 3 वैल्यू रिप्रेजेंट नहीं होगी, इसमें आपके पास आ जाएगा मार्च. ओके, सो अगर आपको सिर्फ मैथमेटिकल नंबर में चाहिए कि कौन सा मंथ है तो आप फंक्शन यूज कर सकते हैं मंथ, बट अगर आपको उसका नेम चेक करना है तो उसके लिए यूज होगा मंथ नेम. ओके, नेक्स्ट वन इज डे. इसी क्वेरी में मैं एडिट कर रही हूँ. डे क्या करेगा, आपने जो भी वैल्यू पास की है उसमें कौन सा डे है, ये कौन सा डे है. जनरली हम इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं. क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करने लग जाते हैं कि संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे है. ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है. इस फंक्शन के थ्रू हमें ये देखना है कि जो डेट आप बता रहे हैं वो कौन सा डे है, मतलब फर्स्ट डे है, सेकेंड डे है, थर्टींथ डे है, 20th डे है, 31st डे है, वो वैल्यू. तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा 2021 03 13, तो मेरा डे कौन सा हुआ, 13th डे, 13वां दिन है मेरा. तो आपका जो आउटपुट है वो इस फॉर्म में आएगा, दैट विल बी 13. ओके,
समटाइम स्टूडेंट क्या करते हैं, जनवरी से फर्स्ट डेट को संडे मंडे काउंट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद 13 पे जो इस पे पहुंचेंगे वो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, बट ऐसा नहीं है इस केस में, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज योर ईयर, दिस इज वेरी सिंपल अगेन। जब आप ये क्वेरी पास करेंगे और ईयर लिखेंगे, जो भी आपने डेटा पास किया हुआ है उसमें आपका सिर्फ कौन सा वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, जो ईयर हमने दिया हुआ है। मैंने अपने स्टेटमेंट में ईयर दिया हुआ है 2021, तो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ माई स्टेटमेंट। ओके, सो हियर आर फ्यू डेट एंड टाइम फंक्शन, जिसमें करंट डेट प्रेजेंट डेट को रिफ्लेक्ट करेगा, डेट जो है सिर्फ आपके डेटा में से डेट पार्ट को एक्सट्रैक्ट करेगा, मंथ आपको मंथ बताएगा, मंथ नेम उस मंथ का नेम बताएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल क्या है, डे आपको डे में आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि उस जो भी आपने डेट पास किया वो कौन सा डे है, जो डेट आपने लिखा एग्जैक्टली वही डे होगा आपका, और ईयर आपके स्टेटमेंट में से आपका ईयर डिस्प्ले कराएगा। एक और चीज मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगी, जैसे ये जो डेट फंक्शन हमने यूज किया वो एग्जैक्टली डेट टाइप, मतलब डेट डेटा टाइप पे काम कर रहा है, बट अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो दिस इज आल्सो पॉसिबल। कैसे? करंट डेट में ये पॉसिबल है। करंट डेट मान लीजिए मैंने ये लिखा है सिलेक्ट डेट और उसमें मैंने कहा है प्लस 10 या 15 कीजिए, तो दैट मींस आपका जो डेट है उसमें और 15 ऐड हो जाएगा। कैसे? ईयर में नहीं होगा, मंथ में नहीं होगा, डेट में होगा। मैंने ये डेट लिया हुआ है 15, तो मेरा इसी स्टेटमेंट में कंसिडर कर लीजिए ये मेरा करंट डेट है 2021 3:30 और उसमें मैं 15 और ऐड कर रही हूँ, तो वो कहाँ पे ऐड होगा? मेरे डेट टाइप में। तो आपका जो आउटपुट है दैट विल बी 2021 03 और 28, दिस विल बी द आउटपुट। तो आप ये स्मॉल मॉडिफिकेशंस भी इसमें कर सकते हैं, जिसमें आप करंट डेट में कुछ भी वैल्यू अगर ऐड करना चाहें, मतलब आप ये देखना चाहें कि आज इतनी डेट है, इसके 10 दिन के बाद कौन सी डेट होगी या 15th डे के बाद कौन सी डेट होगी, तो वो चीज़ें भी इसमें पॉसिबल है। यू हैव टू जस्ट ऐड ऑन द नंबर ऑफ डेज यू वॉन्ट टू इंक्रीज। सो हियर आर फ्यू डेट फंक्शंस, वी आर लेफ्ट विद स्टिल, अभी भी हमारे पास कुछ रह गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।